नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मांडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने लाइव डेमो दिखाऊंगा आप लोगों को, निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके। मैं भी कुछ स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ये बाइसेल लेवल्स का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और निफ्टी बैंक निफ्टी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने इधर फाइल अपडेट किया था आज सुबह, कल का फाइल भी आप लोग देख सकते हैं। कल का मतलब अगला दिन का फाइल जो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे है तो वो मैंने दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने फिर से एक बार अपडेट कर लेता हूँ। इधर निफ्टी चल रहा है 9203 पे, इधर आप लोग देख सकता है इस चार्ट में 9203, तो सेम ही है 9202-203 सेम ही है। और इधर बैंक निफ्टी जो चल रहा है ये तो गलत दिखा रहा है एक्चुअली। इधर एक्चुअल एक्चुअल प्राइस नहीं है ये, इधर 9168 चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा और भी अपडेट करना पड़ेगा। 9168, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने ऑब्जर्व कर रहा था लेकिन कुछ अपडेट करने के वजह से देर हो गया। तो और इधर बैंक निफ्टी का एक बार देख लेता है कल कितना चल रहा है। लास्ट प्राइस बैंक निफ्टी चल रहा है 19802, 19802 इधर अपडेट कर लेता हूँ। 19000, ओहो, 19802, तो इसका जो मैंने जो एक्चुअली जो लेवल प्रेफर करता हूँ उसको आप लोग को दिखाऊंगा, कौन सा लेवल पे बाय लेवल सेल लेवल आएगा। एक्चुअली ऑलरेडी सेल का लेवल ऑलरेडी मिल चुका है, मैं भी पोजीशन लिया था लेकिन फाइल अपडेट करने वजह से थोड़ा सा दिखाने के लिए देर हो गया, तो इसीलिए आप लोग देखते हैं इसके बाद से कौन सा लेवल आ सकता है। देखिए, बाई का लेवल आएगा 9186 के ऊपर जाएगा 9204, और बैंक निफ्टी जाएगा 19852 के ऊपर 19009। आप लोग ये लेवल्स नोट कर रख सकते हैं, 9186 के ऊपर 9204, 9242, 9281, ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं 9321। ठीक है, ये जो डिग्रीज का जो कॉलम में जो है वो आप लोग नोट कर सकता है बैंक निफ्टी। और निफ्टी का सॉरी सेल साइड में देखता है, सेल साइड में ये 9150 के नीचे फिर से नीचे आएगा। एक्चुअली 9183 के नीचे नीचे आ गया था 9166, इसके बाद 9150 के नीचे जाएगा तो ये फिर नीचे आएगा। 9150 के नीचे आएगा तो फिर इसका नीचे आएगा। और जो आप लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो ये साइडवाइज मूवमेंट ही चल रहा है लेकिन थोड़ा सा नीचे आने का प्रॉबिटी ज़्यादा दिखता है। और इधर क्योंकि इसका साइकिल कंप्लीट होना चाहिए इसीलिए, और इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऐसा दिखा रहा है। और इधर और भी एक लेवल देख लेता हूँ जो एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ। इधर इधर बाई का लेवल भी एक बार देख लेता है, तो इधर बाई का लेवल दिखा रहा है 9217, 9217 के ऊपर जाएगा तो 9253 के ऊपर जाएगा। एक्चुअली बाई का लेवल यही मानना मान के चलना पड़ेगा, चलने का 9217 ही पकड़िए, और क्योंकि ये नीचे आए इसीलिए। और ये 9144 तो 50 के नीचे पकड़ सकता है लेकिन बाई का लेवल 9217 ही पकड़े। और इधर से मैंने मतलब इधर मेरा रेंको चार्ट भी थोड़ा सा नीचे शो कर रहा है। मेरा दूसरा शर्ट का सेटअप निफ्टी फ्यूचर को देखूंगा तो इधर से आप लोग को दिखाएगा। और इधर देखिए, इधर क्यों नीचे बोल रहा हूँ क्योंकि
इधर ये धीरे धीरे नीचे आने का कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली 28 पॉइंट का करके ये नीचे आने का चांसेस है, तो देखता है क्या हो सकता होता है। और इधर मेरा पोजीशन भी आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने तो अभी सेल करके रखा था, अभी देखते हैं। पोजीशन चल रहा है, मैंने टाटा मोटर्स का एक पोजीशन ओपन करके रखा था, तो ये अभी 885 का भी 75 चल रहा है। 200 मैंने 76.50 से सेल किया था, तो अभी ये 80.85 75 चल रहा है। तो इधर मेरा प्रॉफिट बुक करना करके लेना चाहिए, तो ऑफिस से 90.95 ये 9000 900। एक्चुअली साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन नीचे आने का एक डीप आने का चांसेस है इसका। अब लोग 9000 217 के ऊपर बाई हो सकता है, ठीक है, और 9150 के नीचे फिर से सेल हो सकता है, ये मान के चलिए। और बैंक निफ्टी का बाई लेवल भी आप लोग को बोल देता हूँ। बैंक निफ्टी का बाई लेवल है होगा, एक्चुअली जो सिचुएशन है इसको दो एक दो लेवल कंपेयर करके, इसीलिए मैंने इतना सारा लेवल दिखाता हूँ। जो लोग मेरा फॉलो करता है, 20,000 के ऊपर ही बाई होना चाहिए बैंक निफ्टी, ठीक है, 20,001 के ऊपर। और सेलिंग आएगा बैंक निफ्टी का 19,798 के नीचे सेल आएगा, तो ऑलरेडी शायद इसका आ चुका था। तो इधर देखता है, मैंने प्रॉफिट बुक करूँगा ज़रूर। मेरा डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट भी है, मैंने आज थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, तो मैंने उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा। और अगला दिन का बात करेंगे, तो अगला दिन का फाइल जो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, उसका लेवल भी आप लोग को दिखा देता हूँ, वो कितना मैच किया है नहीं किया है। और जो लोग मेरा ट्रेनिंग ले सकता है, ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल देख सकता है। इधर से चार्ट का सेटअप दिखाऊंगा, बहुत सारा चार्ट का सेटअप दिखाऊंगा, और गान का एंगल लेवल्स फिबोनाची लेवल्स कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये सब आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये आप लोग ट्रेनिंग आप लोग को 100% लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है, लेकिन आप लोग को ट्रेनिंग लेके आप लोग काम करेंगे तो सुविधा होगा। देखिए मैंने इधर से पोजीशन ओपन किया है, तो इधर देखिए इधर 200 पॉइंट आ गया मेरा। मैंने एक एक, एक रुपीस आ गया ऑलरेडी, 230 हो गया। तो इधर देखिए मेरा अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं, आप लोग अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकता है। मेरा देखिए मेरा ट्रेड देखे आप लोग को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं गलत कर सकता हूँ ट्रेड में, लेकिन मेरा लेवल्स का कभी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, नहीं तो कॉल सर्विस ले लीजिए। तो इधर देखिए अगला दिन का जो लेवल था, इधर जो अगला दिन का जो लेवल पकड़ूंगा तो कैसे मैच किया आप लोग देख सकता है, इधर से कंपेयर कर सकता है। एक मिनट मेरे को प्रॉफिट बुक करने दीजिए, नहीं तो फिर से मैं उल्टा सीधा कॉल लूँगा। क्या हो गया, ट्रिगर बेंडिंग, अरे यार देखिए 50 के आसपास आ रहा है ये, इधर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आप लोग भी जानता है यार, टेक्निकल इशू होता है ब्रोकर का एंड से। देखिए थोड़ा सा शायद प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, 0-0 हो गया, 190 था, तो देखता आप लोग देखा था 230 था, इधर से 190 हो गया। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनीवे तो अगला दिन का लेवल भी आप लोग को दिखा देता हूँ।
अगला दिन का जो मैंने मेरा जो लेवल था इधर बाइक का लेवल था 9010 के ऊपर, तो आज ओपन ही हुआ था। कितने में आज ओपन हुआ था, एक मिनट, ओपन प्राइस देखना पड़ेगा। ओपन हुआ था 9103 में, तो गैप अप ओपन हुआ था। तो आप लोग नेक्स्ट लेवल को देखना पड़ेगा। तो जब अब लोग जब मैंने बोल दिया था कि गैप अप गैप डाउन जब होगा तो नेक्स्ट लेवल देखना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए, ये जो गैप अप ओपन हुआ था 9103 के ऊपर, तो 9103, 104, तो सोच लीजिए ऐसे तो नहीं हो सकता, इतना जल्दी नहीं हो सकता। अब लोग 100, मतलब मैंने इतना जल्दी मतलब ओपन होने के बाद ही नई एंट्री ले सकते थे। आप लोग 9143 पकड़ सकते थे, 9143 पकड़ सकते थे। तो इधर से आज 9261 हाई गया था, 9261 तक हाई गया था। इधर 9311 तक ऊपर जाने का चांसेस था, लेकिन वो शायद आज नहीं कंप्लीट होगा, तो ये नहीं हुए। और इधर सेल का साइड में आप लोग देख सकते हैं, सेल कहाँ से कर सकता है। सेल का साइड अभी तक मतलब लास्ट एंड ऑफ द डेट डाटा लेके सेल का साइड नहीं आया है, एंड ऑफ द डाटा। तो ये तो ये फाइल मैंने आज अपडेट किया है, आज सॉरी ये फाइल नहीं, ये फाइल मैंने आज सुबह मतलब अपडेट करके, एक्चुअली बहुत ही टाइम लगता है, मैनुअली अपडेट करना पड़ता है, तो इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखते रहिए और फीडबैक देते रहिए, और आप लोग ट्रेनिंग जरूर लीजिए क्योंकि आप लोग को फ़ायदा ही होगा। तो इधर से मैंने चार्ट से देखे, मैंने जो पोजीशन लेता हूँ इधर से चार्ट से ही लिया था। इधर से मैंने जो इधर भी चार्ट का सेटअप है, इधर भी दो तीन मेरा अच्छा वाला चार्ट, डेनको चार्ट मैंने प्रेफर करता है। एक्चुअली इधर ये देखिए 950 के नीचे आ रहा है, एक मिनट, 9150 हुआ है, जस्ट टच किया है। इसका नेक्स्ट टारगेट कितना हो सकता है, इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 9150, 9132 आ सकता है। उसके बाद ये 9997, उसके बाद 9964, तो देखते हैं कितना दूर तक आ रहा है। 47 में आया है, 40 48, छचलिस, 45, 44, 44 का नीचे और भी एक लेवल है। इस लेवल को आप लोग देखेंगे तो ये लेवल देखेंगे तो 44 का नीचे इसका लेवल बनता है। इधर देखिए 44 का नीचे इसके 9108 तक आने का चांसेस है, इसका देखता है कितना दूर तक आता है। देखिए 35 तो आ गया है, 32 के आसपास आ गया, 34, 33, 33 हो गया, 30 हो गया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट आप लोग को मिल गया। तो आप लोग ऐसे करके देखते रहिए और सोचते रहिए कब आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, आप लोग को मैंने दिखा के जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा थोड़ा सा आज जल्दी में हूँ, आज इधर ख़त्म करता है। आप लोग तो नोट कर लिया, और बाई का लेवल भी शायद आप लोग का याद में है, बाई का 9217 का ऊपर आप लोग बाई करेंगे। ठीक है 9217 ना, ठीक है मैंने एक बार अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि एक बार अपडेट बनता है, अपडेट करना जरूरी होता है क्योंकि इसका लेवल चेंज हो गया ना। अभी 9133 चल रहा है, और बैंक निफ्टी का क्या हाल हुआ है देखता है। बैंक निफ्टी का टारगेट कितना था और कहाँ से सेल किया था एक बार देख लेता है, उसके बाद आप लोग को बैंक निफ्टी का कितना हुआ। मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, देख रहा है आप लोग, मतलब मशीन थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, उसको भी एक बार देख लेता है, उसको कितना मैच किया है। एक्चुअली मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने निफ्टी के ऊपर ज़्यादा नज़र रख रहा हूँ। इधर 19,791 के नीचे इसका सेल था, ठीक है
तो देखता है कहाँ पर कहाँ क्या हुआ है, उसको भी एक बार देख लेता है। उसके बाद उसका अपडेट करता हूँ। ये मैजिक का तरह काम करता है दोस्तों, आप लोग हर रोज़ देख रहा है। और ये साइट, कोई भी साइट में आप लोग को, किसी भी कैलकुलेटर कोई भी साइट में आप लोग को फ्री में नहीं मिलेगा। ये जो कैलकुलेशन है वोलेटिलिटी बेस्ड, जो ये डायनामिक गन का लेवल, ये कहीं पर आप लोग को नहीं मिलेगा। और जो मैंने मेरा जो पावर पावर ऑफ गन एंगल्स डिग्रीज, वो जो मैंने वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसमें मैंने दिखा है, जो आप लोग को फ्री में वेबसाइट में मिलता है या कैलकुलेटर में मिलता है, उसका कैलकुलेशन भी मेरे पास है। आप लोग उसका कैलकुलेशन भी मेरे पास है, उसको भी आप लोग को दिखा दिया था। वो कौन सा आप लोग को मिलता है, वो बिल्कुल आप लोग को, मतलब देखता है बैंक निफ्टी, वो एग्जैक्टली मिलता है। बैंक निफ्टी। अरे यार, हाँ बैंक निफ्टी देखिए 656 में आ गया है। आप लोग देखा है बैंक निफ्टी का इंडेक्स 638 चल रहा है, तो ठीक है। तो इसका भी अपडेट एक बार कर लेता हूँ, 651, 638, 649। तो मैंने 650 ही पकड़ता हूँ। 650 में मैंने आप लोग को लेवल दे के दे देता हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करते रहिए। बाई लेवल सेल लेवल आप लोग को अपडेट करके दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ तो इसीलिए आप लोग को साथ नहीं रह पाऊँगा। तो 19,000, अरे यार आ जा यार। तो प्रॉफिट बुक करना नहीं करना, मेरा ट्रेड देखना, ये सब देख के आप लोगों को कोई, आप लोग अपना हिसाब से, आप लोग को देखिए लेवल देखिए कैसे मिलता जुलता है। आप लोग देखिए इधर मैंने कितना दिन से, मतलब लाइव डेमो दिखाता हूँ आप लोग को, बाई सेल लेवल भी दिखाता हूँ। आप लोग बाई सेल लेवल वाला वीडियोस देखिए, उसमें भी बैंक निफ्टी स्टॉक्स का आप लोग को, मतलब स्टॉक्स का आप लोग को, बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक्स का आप लोग को लेवल दिखाता हूँ। वो भी आप लोग चार्ट में देखिए, बैक टेस्ट कीजिए कितना एक्यूरेसी आता है, कितना सा मिलता है। मैंने आप लोग को बार बार बोलता हूँ, जब कुछ लेवल्स नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलिएगा जरूर, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मिलता जुलता है तब भी आप लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्ड कीजिए तो मेरा वो अच्छा लगेगा। और भी आप लोग को साथ काम करना, मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। आप लोग ये फिबोनाची का लेवल से भी काम कर सकता है, लेकिन मेरा गान का लेवल ऊपर थोड़ा सा वीकनेस है, वोलेटिलिटी बेस्ड गान का लेवल, इसीलिए मैंने इसको करता हूँ। तो देखिए, तो अभी जो हाल है तो इसका बाई लेवल मैंने इस इधर से लूँगा। ठीक है, इसका बाई लेवल बनेगा, बैंक निफ्टी का बाई लेवल बनेगा 9,000, सॉरी निफ्टी का बैंक बाई लेवल बनेगा 9,205 से, और बैंक निफ्टी का 19,950 से। ठीक है, और सेल फिस से बनेगा, इधर से देख सकता हूँ, सेल का लेवल इधर से लेता हूँ, 9,115 के नीचे बैंक, सॉरी निफ्टी फिस से सेल होगा, और 19,600 से। आप लोग जरा ये जो कॉलम है आप लोग जरा नोट करते रहिए, ये लेवल्स आप लोग नोट करके रखिए। और बैंक निफ्टी का जो, सॉरी बाई का लेवल्स भी, आपका लेवल्स भी आप लोग नोट कीजिए, आपका जो लेवल्स है ये भी आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो अभी इसका वीडियो मैंने यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, अभी मेरे को निकलना पड़ेगा।